पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए खेल विधेयक बिल को निरस्त करने की और भाजपा की जयराम सरकार ने अपने कदम उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने वन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस ओर इशारा किया है। इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में तीसरी इंटर स्टेट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2018-19 का आगाज करने पहुंचे खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उनका मानना है कि जो खेल संस्थाएं खेलों के लिए कार्य कर रही हैं उन्हें किसी प्रकार के बंधन में बांधना उचित नहीं है। इससे ये साफ जाहिर है कि भाजपा सरकार पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा तय किए गए खेल विधेयक बिल को आगे नहीं बढ़ाएगी। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है। उन्होंने कहा कि इस स्पोर्ट्स पॉलिसी में 1983 के हिसाब से चल रहे स्पोर्ट्स वेलफेयर फंड को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और जल्द ही सरकार नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को घोषित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 2002 में बनाई गई युवा नीति को भी रिव्यू किया जा रहा है। खेल मंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे से दूर रखने का प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित है। आज के पहला काम बनने हैं यहाँ पे प्लांटेशन किया है और दूसरा यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पर खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उसमें अनेक प्रकार की खेलें रखी हैं। इसका मुझे निमंत्रण मिला था और स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार का खेल हो तो वहां पर जाकर के देखना और आयोजक है चाहे खिलाड़ी उनको प्रोत्साहित करना है, तो इसलिए यहां पर आए हैं। लेकिन एक बात अभी हमने सोची है, जहां भी जाएंगे प्रदेश में जहां भी कोई अपना कार्यक्रम होगा या बाकी भी हमारे मंत्री हैं जितना कुछ कर सकते हैं कम से कम पहले उनको प्लांटेशन करना है। क्यों प्लांटेशन हमेशा बरसात के सीजन में होती है। अब 15 अगस्त से 31 अगस्त तक जब तक कहीं भी जाएंगे तो जबरदस्त तरीके से प्लांटेशन करना। और इस बार एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि जो 12, 13, 14 तारीख को यहाँ पे जो हिमाचल में एक प्लांटेशन की कैंपेन चली थी तो पहली बार इतनी प्लांटेशन हुई है कि जो हमारी उम्मीद से ज्यादा है। 17,54,000 पे हम 17,54,000 वृक्ष हमने 3 दिन में लगाए और उन 3 दिनों में लगभग 86,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब ये कैंपेन हमारी चलती जाएगी और इसका पहला जो शुभारंभ है वो राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पच्छाद में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा किया गया था। तो इसलिए प्लांटेशन को मनाना ये हमारा खेल विधेयक। इससे पूर्व वन मंत्री ने वन विभाग द्वारा पुलिस मैदान में आयोजित पौधारोपण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए अर्जुन का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है ताकि प्रदेश में वन संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि लोगों की सहभागिता से 12 से 14 जुलाई तक प्रदेश में पहली बार सरकार की उम्मीदों से अधिक 17,54,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए हैं, जिसमें लगभग 86,000 लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और ये अभियान अगस्त माह के अंत तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि खेल मंत्री द्वारा शुभारंभ किए गए तीसरी इंटर स्टेट स्पोर्ट्स 2 दिवसीय चैंपियन शिप में 25 खेलों के मुकाबले होंगे। ये चैंपियनशिप खेल विकास बोर्ड हिमाचल प्रदेश की ओर से करवाई जा रही है। प्रतियोगिता में देश भर के 24 राज्यों से 1700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जूडो, बैडमिंटन, फुटबॉल, मुक्केबाजी, ताइक्वांडो व क्रिकेट सहित अन्य स्पर्धाएं होंगी। एथलेटिक्स मुकाबले सिंथेटिक ट्रैक व कबड्डी, ताइक्वांडो, कुश्ती, बैडमिंटन जैसी खेलें इंडोर स्टेडियम में होंगी। क्रिकेट व फुटबॉल के मैच पुलिस मैदान धर्मशाला में आयोजित किए जाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन इत्यादि हैं, जो स्पोर्ट्स वगैरह के काम करते हैं, मुझे लगता है किसी प्रकार के बंधन में बांधना उचित नहीं है। बिल्कुल प्रयास किया है। अभी हमारी जो है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनकर के तैयार हो गई है और जो उसका डॉक्यूमेंट था और उसमें ये कि हमने कहा जो स्पोर्ट्स काउंसिल में भी जो वेलफेयर फंड इत्यादि था जो सर 1983 के हिसाब से चलता था वो भी हमने बिल्कुल तैयार कर दिया है और बिल्कुल हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है। अभी बस हमको निश्चित हमने 10 दिन में करना है, जिसमें हम नई स्पोर्ट पॉलिसी को भी घोषित करने वाले और युवा नीति भी
क्योंकि युवा नीति भी हमारी 2002 में बनी थी, उसके बाद उसको रिव्यू हुई नहीं थी। युवा नीति और स्पोर्ट्स काउंसिल को स्पोर्ट्स यानी पॉलिसी को हम जल्दी ला रहे हैं, यानी मुझे लगता है अभी इन्हीं दिनों में लाएंगे। और अगली बात जो आपने कही कि नशे की बात, देखिए नशे के संबंध में मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर पुलिस को काम करना, हमको काम करना, बच्चों को खेल की ओर ले जाना, लेकिन इसमें समाज जीवन के हर पक्ष की भागीदारी बहुत आवश्यक है। मैं पिछले कल में अपने मनाली के स्कूल में गया और विद्यालय में जाकर के ये कहा कि जब बच्चों का पूछा सब कुछ है, उनको सबको सावधान करना, क्योंकि अधिकतर टीन एजर इसमें आ रहे हैं। और बल्कि एक बात ये कही जा रही है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के बच्चे भी कम पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन जो टीन एजर हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के जो बच्चे हैं, इसलिए अभी एक ऐसी रणनीति पर सरकार भी विचार कर रही है कि शिक्षा विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ ही है कि यानी कि स्वास्थ्य विभाग, तो सब लोग मिलकर, कई एनजीओ कोई काम कर रहे हैं, तो सब लोग मिलकर के इसको कैसे रोका जा सकता है, इसमें जितनी सख्ती की जा सकती है वो करें। और इसके साथ एक और है कि जो व्यक्ति किसी कारण से नशे की चपेट में आ गया है कि केवल मात्र उसके हाल पर छोड़ देना वो भी उसका तरीका नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको लाना और उसको डी एडिक्ट करना, ये भी सरकार के माध्यम से हम करेंगे। लेकिन हैरत की बात यह सर, एक लड़की